देखो बेटा, हेलो एल्केन में जो अभी हमारा फिलहाल टॉपिक चल रहा है, जो वहां तक हम पहुंच गए थे, तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ ली थी। अब हम आए हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन में। तो हेलो एल्केन की बेसिकली तीन तरह की रिएक्शंस हैं हमारे सिलेबस में। कौन कौन सी हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम शॉर्ट में SN रिएक्शंस कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे आपने नाम सुना होगा बीटा एलिमिनेशन, है ना, सुना बीटा एलिमिनेशन जो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, उस तरह की रिएक्शन आ जाएंगी। फिर रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल में जैसे वुड्स रिएक्शन हमने पढ़ा था, तो इस तरह का, मतलब सोडियम मेटल से रिएक्शन करते तो क्या होगा, मैग्नीशियम मेटल से करते तो क्या होगा, कॉपर मेटल से हैलाइड की रिएक्शन कर दें तो क्या होगा। दिस ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ रिएक्शन विद मेटल। तो हम इनको वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक मैं छोटा सा बता दूं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बहुत। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है ये समझो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम शॉर्ट में SN रिएक्शंस कहते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे मान लो एक न्यूक्लियोफाइल है, तो एक न्यूक्लियोफाइल ने अगर हेलो एल्केन पे अटैक कर दिया, न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज होता है, अगर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक कर दे तो ये वाला हेलोजन हट जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन को वी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से सुनो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन पे रिएक्ट करता है। मोटी सी बात, उसको न्यूक्लियोफिलिक क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उसे हम बोल देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, ये NU एक न्यूक्लियोफाइल है, ये CX हेलो एल्केन है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, कार्बन अपना हेलोजन का बॉन्ड तोड़ देता है, तो एक तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइप, ये हट गया उसकी जगह ये आ गया और न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और हेलोजन बाहर निकल गया। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जब बात चली है न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल अलग अलग तरह के हो सकते हैं। देखो, जैसे OH नेगेटिव, यानी जितने भी जिनके पास भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन होना है वो न्यूक्लियोफाइल है, आपको ऑलरेडी पता है, एक बार जस्ट रिव्यू कर लेते हैं। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, यानी नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूट्रल में भी हो सकता है अगर लोन पेयर है। अब जैसे NaOH है, मैंने NaOH को पानी में डाला तो ये टूटेगा तो OH नेगेटिव बनाएगा, तो OH नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव बनेंगे तो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन वाला न्यूक्लियोफाइल। HCl को पानी में डाला वो टूटेगा तो H+ और Cl नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे कौन बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल, ये वाला, ये Cl वाला न्यूक्लियोफाइल और ये प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे समझ लो। सोडियम क्लोराइड टूट गया मान लो तो CN नेगेटिव बनेगा, तो CN नेगेटिव इज योर न्यूक्लियोफाइल। KOH को पानी में डाला आपने तो K+ और OH नेगेटिव बनेगा, तो OH नेगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल, एक्सेट्रा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। अब देखो, यहाँ पे एक वर्ड आया CN, तो CN के साथ ना एक वर्ड जुड़ा हुआ है एम्बिडेंट लिगेंड्स या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जो लिगेंड्स होते हैं ना, लिगेंड्स का मतलब न्यूक्लियोफाइल ही होता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तभी बना सकते हैं। तो याद है आपको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल या एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या थे? वो आयंस या वो मॉलिक्यूल जिसके पास दो डोनेटिंग साइट है, जैसे CN है, CN के पास दो डोनेटिंग साइट्स हैं, तो ये कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है और एन से भी। देखो जैसे यहाँ पे कि सी ने अगर कार्बन से बॉन्ड बनाया तो प्रोडक्ट को बोलेंगे साइनाइड, बट अगर एन ने बॉन्ड बना लिया, CN के एन ने बॉन्ड बना लिया, तो प्रोडक्ट को बोलेंगे आइसोसाइनाइड। इस तरह के आयन को या मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड। न्यूक्लियोफाइल को हम एम्बिडेंट लिगेंड या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो क्या डेफिनेशन बनी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की? कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज न्यूक्लियोफाइल्स या सब्सटेंसेस व्हिच हैज टू डोनर एटम्स, कार्बन एंड नाइट्रोजन। एग्जांपल, कार्बन कैन मेक बॉन्ड और नाइट्रोजन कैन मेक बॉन्ड, वन बॉन्ड एट अ टाइम, मतलब एक एटम एक टाइम पे एक ही एटम बॉन्ड बनाएगा, दोनों ही बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए इनको हम नाम दे देते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। लो, मैं यहां से पढ़ता हूँ, जरा आप नोट कर लो इसको। ग्रुप लाइक साइनाइड, साइनाइड अब आपको पता चल गया CN, एंड नाइट्राइड्स, नाइट्राइड्स आपका NO2 हो गया, possess two nucleophilic center and are called ambident nucleophiles or ambident ligands बोल दो। Actually cyanide group is a hybrid of two contributing structures. Two contributing structures मतलब negative कभी C पे आएगा कभी N पे आएगा, आप resonance देखो।
सो लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम रिजल्ट इन एल्काइल साइनाइड, अगर कार्बन से जुड़ेगा तो एल्काइल साइनाइड, और अगर नाइट्रोजन से जुड़ गया तो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसायनाइड। तो इसमें आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करके मुझे डन बोलिए, फिर हम आगे चलते हैं। सो देखो जब हम आगे चलेंगे तो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करने वाले हैं, बड़ा ही प्यारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, जरा आंसर भी लिखा हुआ, मैं ध्यान से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। देखो क्वेश्चन है, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन मतलब आर एक्स, रिएक्ट विद केसीएन, केसीएन से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है कि हेलो एल्केन की रिएक्शन अगर हम केसीएन से कर दें तो केसीएन के साथ रिएक्ट करके ना ये एल्काइल साइनाइड बनाएगा। देखो यहाँ पे आर एक्स की रिएक्शन केसीएन से की, क्या बना हमारा एल्काइल साइनाइड बना। बट अगर हम यही रिएक्शन एजीसीएन से कर दें, ये सेम रिएक्शन एजीसीएन से कर दें तो हमें मिलता है आइसोसाइनाइड। यही क्वेश्चन बनाया इन्होंने, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। समझो क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप हेलो एल्केन की रिएक्शन साइनाइड पोटेशियम साइनाइड से करते हो तो आपको साइनाइड प्रोडक्ट मिलता है, बट AgCN से करते हो तो साइनाइड प्रोडक्ट नहीं आइसोसाइनाइड मिलता है। क्यों? तो ये समझना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ से नहीं पढ़ रहा हूँ आंसर, मैं पहले आपको समझाता हूँ फिर आपको मैं नोट करवाऊंगा। देखो क्या है आंसर, आप देखो ध्यान से, ये है आपका आर एक्स एल्काइल हैलाइड। तो जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN से करेंगे तो आयनिक होता है ये, आयनिक मतलब जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये टूट के अलग हो जाएगा। तो जैसे ये टूट के अलग हो गया तो आयंस बन गए। नाउ कार्बन इज फ्री टू मेक बॉन्ड। यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ये फ्री हो गया तो नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, तो इसका आंसर ये है कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी आ जाती है तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब ये फ्री हो जाएगा ना तो कार्बन ही बॉन्ड बनाता है, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्टेबल। तो अगर कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो साइनाइड बन गया। देखो एक बार दोबारा बताता हूँ, KCN आयनिक नेचर का होता है, तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो ये टूट के अलग हो जाता है मॉइस्चर में, आयन बन जाता है, ये सी फिर बॉन्ड बनाता है बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। बट जब AgCN से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो AgCN है ना ये कोवलेंट नेचर का होता है, कोवलेंट मतलब जो पानी में जिसके आयन्स नहीं बनेंगे, इसको जब आप रिएक्शन कराओगे ये टूटेगा ही नहीं। जब ये टूटेगा नहीं तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि दो एटम बॉन्ड बना सकते हैं ना, ये वाला एटम फ्री नहीं है तो नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसकी एनर्जी से ये टूट के अलग हो जाता है, तो नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना लिया तो आइसोसाइनाइड। तो अभी आपको समझ में आ गया लॉजिक, लॉजिक ये है कि KCN आयनिक नेचर का है, जब हम इसको रिएक्शन के लिए पानी में डालते हैं तो ये टूट के अलग हो जाता है, यानी C इज अवेलेबल टू मेक बॉन्ड एंड CC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। बट जब हम AgCN को डालते हैं तो ये कोवलेंट नेचर का है, ये आयंस बनाता ही नहीं है, आयंस नहीं बनाएगा तो N बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, तो N बॉन्ड बनाएगा तो ये उल्टा जुड़ जाएगा, उल्टा जुड़ेगा तो हमें मिलेगा आइसोसाइनाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। अब देखो यहाँ से KCN is predominantly ionic. आगे आंसर कैसे लिखना है? KCN is predominantly ionic and provides cyanide ion in solution. Although both carbon and nitrogen atoms are in position to donate electron, the attack take place mainly through carbon atom. जो attack है वो mainly carbon atom के through होता है, क्यों? क्योंकि carbon carbon का bond more strong है, more stable than CN bond. However, AgCN is mainly covalent in nature. जो AgCN है वो covalent nature का होता है, and nitrogen is free to donate electron. कि covalent nature का है, तो जो ये covalent nature है, इसमें ये carbon free नहीं है, nitrogen बनाएगा bond. तो nitrogen bond बनाएगा, तो आपको product मिल जाएगा isocyanide as a main product. तो बेटा note कर लो इसे, note करके done बोलो, फिर आगे चलते हैं. ओके बेटा आप इसे नोट कीजिए, साथ में मैं एक दो चीजें और बता देता हूँ, आप उसको भी नोट बना के नोट कर लेना। देखो क्या बता रहा हूँ जरा ध्यान से समझो, नोट की फॉर्म में बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, नोट ये बता रहा हूँ, जैसे साइनाइड है ना दो साइड है अटैक करने की, इसी तरह से आपके पास अपना KNO2 है और इसी तरीके से AgNO2 होते हैं। KNO2 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, ध्यान रखना, KON डबल बॉन्ड O इस तरीके से होती है, और AgNO की भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, ONO।
अब क्या होता है, ये आयनिक नेचर का है, फिर से समझना, ये आयनिक नेचर का है, ये आपका कोवलेंट नेचर का है। अब देखना, अगर मैं हेलो एल्केन की रिएक्शन KNO2 से करूं तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा मुझे यहाँ पे, KNO2 मुझे यहाँ पे, आप इस तरह से समझ लीजिए, मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलेगा RNO2 मिलना चाहिए। और इसी तरह से अगर मैं ये सेम रिएक्शन इसके साथ कर दूं, AgNO2 से कर दूं, तो मुझे यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है AgONO करके मिलता है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। अब आप इसका लॉजिक कुछ समझ गए होंगे अपने आप ही, क्या लॉजिक है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज कर देता हूँ, स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख देता हूँ KNO2, और इसको भी मैं इरेज करके इस तरीका से लिख देता हूँ NO2। तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे बॉन्ड टूटता ही नहीं है नाइट्रोजन के साथ वाला, ऐसे समझ लो, तो नाइट्रोजन के साथ वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ओ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे आपका ONO बन जाएगा। सो जस्ट कीप इन माइंड, इसे नोट करके मुझे डन बोलिए, एंड कीप इन माइंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे नोट कर लीजिए। और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, दोबारा से मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप इसका अच्छे से आंसर दे पाए। तो इसको मैं इरेज करके ये सारी रिएक्शन दोबारा लिख देता हूँ, और ये कंसेप्ट थोड़ा याद रखना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब देखो, जैसे KNO2 है, तो KNO2 बेसिकली आपका इस तरीके से होता है, अपना KON(O) इस तरीके से, और ये आपका आयनिक नेचर का रहेगा, और AgCN इस तरीके से, AgON(O) इस तरीके से, ये कोवलेंट नेचर का रहेगा। तो जब आप इसकी KNO2 से रिएक्शन करोगे तो ये वाला आयनिक बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये टूटने से RONO बनेगा, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, RONO बनेगा, और ये वाला क्या होगा, ये कोवलेंट है, ये टूटेगा ही नहीं, तो ये टूटेगा नहीं तो ये ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे AgNO2 में आपको जो बॉन्ड मिलता है ये मिलता है AgNO2, बस ये ध्यान रख लेना। सो इट इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो दो चीजें हैं ध्यान रखने वाली, ज्यादातर साइनाइड वाले से पूछा जाता है, बट ये वाली चीजें भी आपके एक्स्ट्रा बुक में मिलेंगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ इसको, दिस इज एंड दिस कंपाउंड। इसी तरह से अगर आप हेलो एल्केन की रिएक्शन RNO2 से करोगे तो आपको नाइट्राइट मिलेगा, और AgNO2 से करोगे तो नाइट्रेट मिलेगा, इसको हम कहते हैं नाइट्रेट, नाइट्रो कंपाउंड, और इसे हम कहते हैं नाइट्रीटो, ओ बॉन्ड बनाए तो नाइट्रीटो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओ बॉन्ड बनाए तो प्रोडक्ट को हम कहते हैं नाइट्रीटो, एन बॉन्ड बनाए तो नाइट्रेट, क्या बोलेंगे, नाइट्रेट, बस आप इसे नोट कर लीजिए। सो एंड जस्ट कीप इन माइंड, लो जी अब हम चलते हैं आगे। अब अगले पेज पे देखो हम क्या करने वाले हैं, अब ये चीज है आपके अगले पेज पे, अगले पेज पे मैं ये बता रहा हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी जो ये भी रिएक्शन हमने पढ़ी है ना, ये भी आपकी न्यूक्लियोफिलिक ही है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है कार्बन के साथ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब अलग अलग तरह के न्यूक्लियोफाइल मैंने यहाँ पे दिखाए हैं जो बच्चों को याद होने जरूरी है, जैसे ये रिएक्टेंट है आपका, जैसे मान लो आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन यहाँ से कर रहे हो इसके साथ, देखो जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन इसके साथ करोगे तो ये आपका रिएक्टेंट है जो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करने वाला है। अगर आपने NaOH और KOH यूज किया तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव होगा, अगर आपने वाटर यूज किया तो वाटर का पूरे का पूरा न्यूक्लियोफाइल होता है और ये बन जाएगा, और NaOR सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन की तो RO, ये याद रख लो, ये सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन की तो न्यूक्लियोफाइल RO नेगेटिव बनेगा, ये कैसे बना, देखो देखो RONA, तो जब आप इसको रिएक्शन कराओगे तो ये टूट के अलग हो जाएगा और ये बनेगा RO नेगेटिव, साथ में बनेगा NA+,
तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, दिस वुड बी योर न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह से NaI में आयोडीन आपका न्यूक्लियोफाइल है, NH3 पूरे का पूरा न्यूक्लियोफाइल है, RNH2 में RNH2 आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये प्रोडक्ट दिखा रहा है, KCN साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है, AgCN में भी ये न्यूक्लियोफाइल है बट N से बॉन्ड बनाता है तो उल्टा बन गया, KNO2 में ONO2 न्यूक्लियोफाइल है आपका, ये आपका 2K2 से बॉन्ड बनाएगा, AgNO2 में ये आपका कोवलेंट नेचर का है तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, RCOOAG तो ये सिल्वर कार्बोक्सिलेट है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, तो इसमें सिल्वर अलग हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये ना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लोगे तो हो जाएगा, जैसे RC डबल बॉन्ड OOAG है, अगर ये टूट जाए यहाँ से तो ये बन जाएगा RCOO नेगेटिव और AG प्लस अलग हो गया, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। तो सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि न्यूक्लियोफाइल का आइडिया कैसे लगेगा, पॉजिटिव वाला हटा दो, नेगेटिव वाला आपका न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरीके से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का H होता है न्यूक्लियोफाइल, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में H और ये प्रोडक्ट बनाएगा इस तरीके से RH। तो ये कोई बहुत ज्यादा लेवल पे यूज नहीं होने वाले, इतने सारे वाले कुछ कुछ यूज होते हैं बट आपको याद होना चाहिए। अब ये मेटल अल्काइल है तो मेटल टूट गया तो आर नेगेटिव आपका बनेगा न्यूक्लियोफाइल और वो जुड़ के इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा और एल्केन बनाएगा। जैसे मैं इसमें से आपको मान लो कोई भी एक रिएक्शन दे देता हूँ, जैसे आप देखो यहाँ ध्यान से, जैसे मैंने बोला RX की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से होगी तो R न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और X बाहर हो जाएगा, यही मेन रिएक्शन है जो हो रही है, आप समझो, ध्यान से समझना। अब मैं मानो यहाँ पे ये ले लेता हूँ कि मैंने CH3Cl लिया और इसकी रिएक्शन कर दी RONA से, तो अब क्या बनेगा, ये चीज बाहर निकल जाएगी NaCl, जो बच गया वो जुड़ जाएगा, यानी आपको मिलेगा CH3OR। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे आर ओ क्यों नहीं लिखा, एक्चुअली दो जो एटम बॉन्ड तोड़ता है ना वही बनाता है। यहाँ पे सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि आपको न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, जैसे ये है ना यहाँ पे आर ओ न्यूक्लियोफाइल है तो आर ओ जुड़ेगा, मतलब ओ आर जुड़ेगा, जहां से बॉन्ड टूटता है वही एटम बॉन्ड बनाता है। अब इसमें से नोट कर लो, आपको अगर कुछ लगता है नोट करने वाला